हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मस्त। चलो देखो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप में हम क्या कर रहे थे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है आज बच्चे हमें, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की थी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बताया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में तीन तरह की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो हमें अच्छे से आ गया। उसके तुमने देखो बच्चे, सब बच्चों ने असाइनमेंट भी करके दिखा दिए मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। चलो है ना, अब बात आती है। देखो बच्चे, अगर हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट की है, तो अब हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मैं तो कहता हूँ देखो बच्चे, के लिए ये टॉपिक ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चाहो तो इसको ना, देखो बच्चे, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इसको कॉपी में, है ना, ये वाला जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं नोट डाउन कर लेना, हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक ओवरऑल समरी दे देता हूँ तुम्हें, फिर हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। अभी तो समझ लो लिखना है हमने, है ना। तो सबसे पहला स्टेप पे क्या करोगे? अब देखो वैसे तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती क्या है, ये थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ, है ना। अब हमने क्या सीखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कि गुडविल क्या होती है? गुडविल हमने देखो बच्चों, अगर किसी बिजनेस को खरीदना है तो उसको हमें कई बार रेपुटेटेड बिजनेस को जो खरीदते थे, तो उसकी एसेट से ज्यादा पैसा पे करना होता था हमने, है ना। तो वो ज्यादा पैसा जो पे करते थे उसको हम क्या नाम देते थे? गुडविल का नाम दे देते थे। हम ये कहते थे कि ये कह सकते हैं बच्चे, हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स खरीद रहे हैं उस, है ना, जो हम फ्यूचर में रिकवर कर लेंगे, पर अभी हमने उसको अमाउंट अभी पे करना है, तो वो गुडविल होती थी। अब हम बात करते हैं कोई बिजनेस है एक्स लिमिटेड, अगर उस पूरे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू 2 लाख रुपए है। कितनी है बच्चे? 2 लाख रुपीज है। अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा बिजनेस अगर सोल्ड आउट किया जाए तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा गुडविल का? 2 लाख। अगर मैं यहां पर देखो बच्चा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कहते हैं कि सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, तो सी अगर पूरा बिजनेस नहीं भी खरीद रहा है तो 1/5 पार्ट तो खरीद रहा है ना बच्चे। अब खुद सोचो, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा 1/5 शेयर के इक्वल, है ना, और प्रॉफिट जो लेगा वो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में लेगा तो उसको ज्यादा होंगे, है ना। तो वो ज्यादा होंगे तो वो देखो बच्चों, पुराने बिजनेसमैन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना, पुराने पार्टनर क्या कहेंगे? भैया हमें 2 लाख का 1/5 जो है 40,000 भी कंपनी शिफ्ट करो, है ना। क्योंकि देखो बच्चे, अगर पूरा बिजनेस नहीं खरीद रहे हो तो 1/5 पार्ट तो खरीद रहे हो, तो ये कंपनी शिफ्ट हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसको किस तरीके से कंपनसेशन करनी है वो हम सब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है देखो, स्टेप फर्स्ट मैंने फिर कहा है बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ नोट डाउन भी कर लेना। इफ गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स, यानी देखो बच्चों, एडमिशन से पहले बैलेंस शीट के अंदर अगर कुछ गुडविल अपियर्ड है ना। आगे कहते हैं, एट फर्स्ट राइट ऑफ दिस गुडविल अकाउंट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी फर्म की बुक में अगर गुडविल अपियर है तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है उसको राइट ऑफ कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो एसेट को देखो बच्चों, एसेट को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करोगे, है ना। और देखो एसेट को डिक्रीज करोगे तो अगर एसेट डिक्रीज होगी, एसेट क्रेडिट होगी तो कैपिटल डेबिट होगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल अकाउंट या गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अब हमारी एंट्री स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन में देखो बच्चों, कब लिखा नहीं होता गुडविल राइट ऑफ करनी है कि नहीं करनी है, वो अगर अपीयर है तो राइट ऑफ करनी ही है हमने, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखेगा? अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो कुछ तो लेके आएगा ना भैया, कुछ कैपिटल का पैसा लेके आएगा। और कुछ मैंने क्या बताया बच्चे, अगर वो गुडविल है, गुडविल का पैसा लेके आएगा एक्स्ट्रा पैसा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट यानी प्रॉफिट का अमाउंट, तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। जैसे कई बार होता नहीं कि हमने एक फ्लैट खरीदा 50 लाख का और 10 लाख के प्रीमियम पे बेच दिया, तो 60 लाख रुपए में बेच दिया। तो प्रीमियम मतलब होता है एक एडिशनल अमाउंट, ठीक। तो कुछ तो पैसा वो किस चीज का लेके आएगा? कैपिटल के अगेंस्ट में लेके आएगा। और कुछ किसका लेके आएगा? एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके आएगा, जो किस पर बेस होगा? गुडविल पर बेस होगा। तो इसलिए बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री क्या करोगे? अगर कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक के थ्रू लेके आएगा या बैंक में पैसा डालेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर बच्चे बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर लाते हैं तो वो क्या, ये मैंने लिखा है काइंड, मतलब काइंड कुछ भी। देखो बच्चे, कैपिटल तो कैश में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। कैश बैंक या जो भी एसेट लेके आएगा वो काइंड अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन में लिखा होगा तो करनी है एंट्री, अदरवाइज नहीं करनी है हमने, है ना। क्वेश्चन में जितना होगा उतना करना है हमने। तो सबसे पहले देखो बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने क्या लिखा, इफ एनी, अगर वो लेके आया है तो कर देना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना बच्चे, वो कहते हैं कि सर मैं बाद में दे दूंगा ये गुडविल का पैसा, या बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो, नहीं लेके आया तो मत लिखो प्रीमियम में पैसा। ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब देखो बच्चे, अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आती है एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे डाली जाती है, स्टेप थर्ड वाले जो है ना। तो एक बात समझो बच्चे, जो गुडविल का पैसा वो लेके आएगा है ना, तो वो किसको देगा, सीधी सी बात है, जो बाकी बच्चे पार्टनर एक्स और वाई, किसको देगा, बाकी जो पुराने पार्टनर थे, किस रेशो में देगा, सीधी सी बात है, जिसने जितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा उसको उतना देगा, है ना। तो किस रेशो में देते हैं, हमेशा ध्यान रखना गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा किस रेशो में करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करनी है। याद रखोगे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा किस रेशो में करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, आप देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था बच्चे, हो सकता है वो गुडविल का पैसा अभी दे दे, हो सकता है मैं बाद में दे दूंगा भैया, अभी अभी मेरे को एडमिट तो करो। If Jed bring his share of premium for goodwill, अगर Jed जो बच्चे अपना good premium for goodwill लेके आया है तो क्या एंट्री करोगे, तो बताओ बच्चों वो प्रीमियम का पैसा जो लेके आया मैंने किस अकाउंट में ट्रिक्रेडिट किया हुआ है, प्रीमियम के अकाउंट में, तो ट्रांसफर भी किस अकाउंट से करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से। तो एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, लिखते ओल्ड पार्टनर ही है बच्चे, आप जरूर नहीं कि एक्स और वाई हो, मैंने एक एग्जांपल दी, जो भी देखो बच्चे मैंने समझाया तो लेट कर दिया, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है और जेड जो है इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है। ठीक है बच्चे, इसीलिए तो जो गुडविल की एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक, कभी कभी वो कहता है कि भैया मैं बाद में दे दूंगा पैसा, अभी मेरे को एडमिट तो करो, तो हम क्या देखो बच्चा अकाउंटेंट क्या कहेगा, ठीक है भैया बाद में दे देना, बाद में दे देना, पर देखो बच्चे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, ये तो है नहीं कि बाद में ना लाया, बाद में एडजस्टमेंट एंट्री किसको ध्यान रहेगी, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, चाहे वो पैसा लेके आया है अभी या नहीं लेके आया है। तो क्या करोगे, अब देखो बच्चे अगर वो गुडविल का पैसा प्रीमियम में लेके ही नहीं आया होगा तो प्रीमियम अकाउंट को तो क्रेडिट किया ही नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी वो उसमें से डिक्रीज कर देते हैं, हम कह देते हैं भैया चल अभी तेरे कैपिटल में से कटा रहे हैं, जब तू पैसा लेके आएगा तो वापस से क्रेडिट हो जाएगा इतना पैसा। ठीक, तो जेड्स या कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, आगे वचन में, इसके बाद देखो थर्ड केस भी हो सकता है, देखो बच्चों जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो कहता है कि चलो मैं गुडविल का पैसा इनको दे देता हूँ और बिजनेस में ना लाके बाहर के बाहर ही सेटल कर दिया, उनके घर ही दिया या पैसा आउट ऑफ बिजनेस प्राइवेटली पे कर दिया, जब सीधी सी बात है प्राइवेटली पे ही कर ही दिया तो बिजनेस का अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा भाई, जब सीधी सी बात है बाहर के बाहर सारे अकाउंट सेटल हो गए, तो देखो बच्चे उस केस में नो एंट्री, कोई गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसे देने थे उसने बाहर ही सेटल कर दिए, जेड ने एक्स वाई को जो पैसा देना था दे दिया बाहर के बाहर। ठीक, समझ गए बात। तो देखो फिर बता देखो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, अगर वो प्रीमियम का पैसा लेके आए तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अगर नहीं लेके आया तो जेड्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट एक अकाउंट को किसी को भी डेबिट करना, कैपिटल या करंट को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कोई भी केस हो। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अगर इस केस में मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए पूरी फर्म की गुडविल है, 1/5 शेयर के लिए जेड आया है, तो उसका गुडविल का शेयर कितना बना, 40,000, कितना बना बच्चे, 40,000। तो हर केस में प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा तो भी 40,000, है ना, नहीं लेके आया तो भी 40,000 ही डेबिट करने हैं उसके अकाउंट से। ठीक है, अब देखो अगर वो प्राइवेटली पे करेगा तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेगा। स्टेप फोर्थ, लास्ट स्टेप पे बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल अमाउंट, अगर पुराने पार्टनर गुडविल का पैसा क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो गुडविल का पैसा ड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री क्या करोगे,
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट, कैश या बैंक गुडविल ने ड्रॉ की, गुडविल वाला अमाउंट ड्रॉ की है ना, तो टू कैश या बैंक अकाउंट, समझ गए बच्चे। अच्छा ये किस रेशियो में, देखो बच्चे क्या रेशियो, यही तो जो मिला है वो पैसा निकालेंगे वो, तो यहाँ से अमाउंट देख लेना, वो जो अगर वो कहे फुल अमाउंट ड्रॉ कर लिया तो सारा पैसा ड्रॉ कर लिया, अगर कहे हाफ ड्रॉ किया तो हाफ हाफ ड्रॉ किया, समझ गए बात। बस एक चीज ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर गुडविल अपीयर होगी तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है ना ठीक। और इसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट में हमेशा किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलो हम एक काम ना करें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लोगे तो सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक। तब तक ये कॉपी कर लो, तब तक मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसके ऊपर। हाँ तो बच्चों जनरल एंट्री हो गई आप सब बच्चों की कॉपी ठीक है, जनरल एंट्री अगर तुमने तो देखो बच्चों ट्रीटमेंट और गुडविल की कॉपी कर ली है तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल, एक तो एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ए एंड बी आर टू पार्टनर विद द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/4 शेयर ठीक। सी ब्रिंग ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड ₹20,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर ड्रो हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट ठीक। सबसे पहले तो एक बात देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, सी का शेयर कितना है 1/4 ठीक है। हमें ज्यादातर इन क्वेश्चंस में किस किस रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, ओल्ड रेशियो की और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट्री हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी होती है, ये बात अच्छे से समझ लो ठीक। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितनी दी है मुझे, 3:2 दी है, सैक्रिफाइसिंग 1/4 की, देखो बच्चों 1/4 का सी का शेयर दिया है, कोई ना मुझे न्यू रेशियो दिया ना मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने देखो बच्चों जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे तभी भी मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी ए और बी की क्या होगी 3:2 होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी वो भी 3:2 होगी। तो जनरल एंट्री करने के लिए हमें रेशियो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं भी है ना, कोई खास जरूरत नहीं। अब देखो बस हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि फर्म के बुक में अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो राइट ऑफ करते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस क्वेश्चन में लिखा है सी 30,000 कैपिटल के लिए क्या है और 20,000 अपना गुडविल का शेयर लेके क्या है कैलकुलेट करके दिया। तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल के 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के 20,000, बिल्कुल क्लियर है समझ गए। देखो बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, जो प्रीमियम का पैसा लेके आया गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूँ कभी नहीं बोलेगा गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करो, ये हमने खुद ही करनी है ना। आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट ठीक। और ध्यान रखना किस रेशियो में करते हैं, ध्यान रखना बच्चे मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, इस रेशियो को इस ईयर एंट्री है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी है। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू रेशियो भी नहीं दी है, और न्यू रेशियो नहीं दी है तो हमें रिमेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को सेम रखना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होगी ऐसे क्वेश्चन में ठीक। अब देखो फिर मैं देखो एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ए बी पार्टनर 3:2 की रेशियो कभी भी ऐसा केस दिया होगा ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी होगी ना न्यू रेशियो दी होगी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही मानी जाएगी 3:2। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया 20,000 को, 3:2 की रेशियो में बांटेंगे तो 20,000 12,000 8,000 ठीक। फिर ये कहता है कि हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट ड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब देखो बच्चों आधा आधा पैसा निकाल भी लिया ए और बी ने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब देखो इसको कितना मिला था 12,000, 12,000 का हाफ 6,000, 8,000 का 4,000, तो टोटल हाफ 10,000 ड्रॉ, समझ गए बिल्कुल क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी एंड सी, ए एंड बी पार्टनर 3:2 की रेशियो है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए ठीक। न्यू रेशियो कितनी दी है ए बी सी की 3:2, 3:2, ध्यान रखना बच्चे अब की बार मैंने 3:2 की ओल्ड रेशियो है, 3:2, 3:2 की न्यू रेशियो क्वेश्चन में दी है। आप ध्यान देखो ओल्ड रेशियो क्या है ए और बी की 3:2, न्यू रेशियो क्या है 3:3, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की पक्का निकाल के दिखानी पड़ेगी,
क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ अलग ही होगी, वैसे मुझे तो याद है बच्चे, वो आप वर्किंग नोट में निकाल लो इसको, इसकी है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, 9:1 होगी, जब 3/5 - 3/8 और बी के क्या होगी, 2/5 - 3/8। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9:1। तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट जो करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो क्या होगी, 9:1। ठीक, गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ₹20,000। फर्म की बुक में कितना गुडविल अपीयर है, 20,000। मैंने क्या बताया था बच्चे, जब जनरल एंट्री लिखवाई थी, फर्म की बुक में यदि गुडविल अपीयर है तो तुमने उसका कुछ नहीं करना, राइट ऑफ कर देना। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना है बच्चे, 20,000। 20,000 को किस रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 12,000, 8,000, 20,000। ठीक, अब ये क्या कहता है, सी ब्रिंग ₹1,50,000 फॉर हिज कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 150 है ना, बट नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कहता है भैया वो कैपिटल तो लेके आया पर अपना गुडविल का शेयर अभी नहीं लेके आ सकता। हम कहते हैं कोई बात नहीं भैया, जो जो लाया है वो तो एंट्री करो, है ना, समझ गए बात। अब ये कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹2,00,000, ध्यान रखना बच्चे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹2,00,000, मतलब अगर हम अपना पूरा बिजनेस बेचें तो हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, 2,00,000। और गुडविल अकाउंट अपीयर्ड हो एक अलग बात होती है, वो मतलब फर्म की बुक में बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल इतनी शो की हुई है, उसको राइट ऑफ करना है। और ये फर्म की वो ये एक्चुअली में गुडविल है फर्म की, आज की डेट में कितनी है, 2,00,000। आप 2,00,000 का देखो बच्चे, 2,00,000 पूरी फर्म की गुडविल है, सी कितने शेयर के लिए है, 1/4 शेयर के लिए, तो 2,00,000 का 1/4 कितना हुआ, 50,000। ध्यान रखना अगर वो लेके आता है तो कितना पैसा लेके आता है, 50, और नहीं लेके आया तो भी उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से कितना पैसा कटोगे, 50। तो कितना पैसा बच्चे, सीज करंट या कैपिटल कुछ भी लिख दो, है ना, सीज करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। और किस रेशियो में बच्चे, किस रेशियो में एडजस्ट करोगे, 9:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे वर्किंग नोट में। तो 50,000 को 9:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 45,000 and 5,000। ठीक, समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई बात। एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और कर ले तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो इसको अच्छे से समझ लो इन दोनों एग्जाम्पल को, फिर और आगे बता दो, ठीक है। समझ गए बच्चों वो वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। तो सारे बच्चे समझदार हो गए फिर तो, है ना। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, हो गए हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, करें बच्चे एक दो क्वेश्चन और। तो सबसे पहले देखो बच्चे, एक एग्जांपल नंबर 3 कहता है, ई एंड बी आर पार्टनर विद द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/5 शेयर व्हिच ही टेक फ्रॉम ई एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब देखो बच्चे बिल्कुल क्लियर, कहता है सी जो है 1/5 शेयर के लिए आया, जो उसने ए और बी से किस रेशियो में लिया, 2:1 के रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दी ही हुई है ना। अच्छा ठीक है, सी ब्रिंग ₹12,000 फॉर हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹18,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चे सी अपना जो है 12,000 लेके आए प्रीमियम फॉर गुडविल का, जबकि बनता कितना था, 18,000। कोई बात नहीं भैया, कुछ तो लाया है ना, उसकी एंट्री कर देंगे। गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ₹5,000। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो गुडविल अपीयर होती है, मैंने क्या बताया, इसको राइट ऑफ करना है। तो एंट्री क्या करोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 5,000 की गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी, इसको ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 3,000, 2,000, 5,000 बीइंग गुडविल अपीयर्ड, राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। फिर इसके बाद एंट्री क्या करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। अब आप क्या को कह रहे, सर इसमें तो कैपिटल तो दी नहीं, कैपिटल तो लेके नहीं आया। बच्चे वो लाया नहीं लाया डजंट मैटर, लेके आया होगा क्वेश्चन में, हमें कहता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है तो हमें इतना दिया, तो एंट्री कर दो, अपनी मर्जी से मत लिखना भी कैपिटल वैपिटल कुछ भी, है ना। सी कितने गुडविल लेके आया, कितना पैसा लेके आया, 12,000। हम कहते हैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में।
12,000, 8,000, 4,000। पर रुको बच्चे, अभी देखो पूरी उसको लेके कितने आ रही थी, 18,000 में से लेके कितने आए 12,000, तो 12,000 जो लेके आए तो प्रीमियम के थ्रू बांटे, 4,000 अभी बचे ना बच्चे, 4,000 नहीं सॉरी 6,000 बचे, 18,000 माइनस 12,000, 6,000 और लेके आने, तो 6,000 हम कहां से, सीज कैपिटल या सीज करंट अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख देना वो दोनों ठीक माने जाएंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000, 4,000, 2,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वही 2:1। तो जो लेके आए गुडविल का शेयर वो तो मैंने प्रीमियम के थ्रू बांट दिया, और जो नहीं लेके आए बच्चे वो कैपिटल या करंट अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल ओके सर, इजी सा कंसेप्ट है, इसमें तो कुछ ज्यादा है ना। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर, देखो कोई रेशियो नहीं दिया, कोई रेशियो नहीं दिया तो हमें पता है बच्चे अगर रेशियो नहीं दी होगी तो 1:1 मानी जाएगी ओल्ड रेशियो। सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया है। सी ब्रिंग फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी दोनों चीजें नहीं क्या है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, पर वो कैश में ना लाके कुछ मशीनरी कुछ फर्नीचर कुछ स्टॉक के रूप में लिख गया है। ठीक है कोई बात नहीं। अब एक बात देखो, 2,80,000, 120 तीनों को प्लस करो तो तीनों को प्लस करोगे तो टोटल कितने लेके आए वो, ये हो गए बच्चे 4,00,000। इस 4,00,000 में कैपिटल भी है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। अगर मेरे को कुल कैपिटल पता चल जाए तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकता हूँ इसमें कितनी है, और प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल जाए तो कैपिटल भी पता चल जाएगी बाकी कितनी है। ठीक, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज 2,00,000, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 2,00,000, तो इसका आप बताओ बच्चों निकाल सकते हो ना। तो सी कितने शेयर के लिए है, 1/4 शेयर के लिए, तो इसका गुडविल का शेयर कितना बनेगा 50,000 है ना। तो इस 4,00,000 में खुद बताओ बच्चे, 4,00,000 में प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 50,000, तो कैपिटल कितना होगा 3,50,000। करें क्वेश्चन, देखो बच्चे मशीनरी लेके आए 2,00,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,00,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 80,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,20,000 है ना। टोटल 4,00,000 में से कैपिटल कितनी है बच्चे इसकी 3,50,000, वर्किंग नोट में निकाल लेना। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 50,000 है ना, बीइंग जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल या जेड सी जो भी है ना। इसके बाद 50,000 जो लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो क्या मानी जाएगी कुछ नहीं दी तो 1:1 है ना। और देखो सी का शेयर दिया हुआ है ना, न्यू रेशियो है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कुछ नहीं, तो देखो बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मानी जाएगी, वही ओल्ड रेशियो मानी जाएगी 1:1। तो 50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 25,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री हो गुडविल है ना बच्चे, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1। तो बच्चे देखो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड कंसेप्ट इतना है, ये मेरे ख्याल तो मैं सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो बच्चे और अच्छे से, देखो मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसको अच्छे से कर लेना, तो हमारा लगभग ये कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है हिडन गुडविल वाला, उसकी मैं अलग सी वीडियो क्लास डाल दूंगा है ना, क्योंकि वो इसे देखो जनरल एंट्री तो उसमें भी यही बननी है, बस उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, बाकी हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फिनिश हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, खैर एडमिशन ऑफ पार्टनर तो भी थोड़ा सा चलेगा अभी कुछ क्लासेस, ठीक है बच्चों।